बांसुरी कभी अपने से नहीं बजती, फूंक मारनी पड़ती है, बजाना पड़ता है। उसी प्रकार अपने से कभी ना कुछ करो, अपने से कभी ना कुछ सोचो। जो हो रहा ठीक है, अच्छे निर्णय लेते रहो, अच्छे काम करते रहो, कर्म तू कर, बाकी ईश्वर की इच्छा मानते रहो। जैसे ईश्वर जब तक बजाएगा नहीं कोई, तब तक बांसुरी अपने से सुर ना छेड़ने लग जाएगी। उसी तरह आपके जीवन में जो भी सुर छिड़ा हुआ है, समझ लो कि ये परमात्मा ही ये सुर छेड़ने वाले हैं, इसलिए उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ। बांसुरी भगवान इसलिए बजाते हैं कि अच्छा, भगवान ने बांसुरी कब तक बजाई है, कितनी उम्र तक भगवान ने बांसुरी बजाई है पता है आपको? भगवान जब द्वारिका में थे तब एक भी बार बांसुरी नहीं बजाई। कब थे भगवान, कहां बांसुरी बजाते थे? केवल वृंदावन। 10.5 वर्ष की आयु पूरी करके भगवान 10.5 और 11 वर्ष के आयु में भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए, और बांसुरी लेकर वृंदावन से नहीं आए। बांसुरी भगवान ने राधा रानी को दे दी थी। आज भी निधिवन में एक मंदिर है जहां राधा रानी के हाथ में आज भी बांसुरी है और वो बांसुरी बजा रही है। मतलब गोविंद राधा रानी को देकर आए थे बांसुरी, वृंदावन से लेकर बांसुरी को बाहर नहीं गए। बांसुरी ये राधा रानी का वो स्थान है जहां उनके हाथ में बांसुरी है। बांसुरी चैन, लोग कहते हैं चैन की वंशी बज रही है, मतलब सुकून। बांसुरी का बजना आनंद को व्यक्त करने वाला है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अपने बाल्यकाल में आनंद से रहो, चैन की बांसुरी बजाओ, और जहां पर जरूरत पड़े वहां तो बांसुरी बजाओ, और जहां जरूरत पड़े तो बांसुरी रख करके उन्हीं उंगलियों से सुदर्शन चक्र भी उठाओ। भगवान ने बांसुरी भी बजाई और सुदर्शन चक्र भी उठाया। जहां जिस चीज की, जहां प्रेम की जरूरत है वहां प्रेम, जहां चक्र की जरूरत है